हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल सिविल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बारबेंडिंग शेड्यूल ऑफ 2A स्लैब। अगर आपने बारबेंडिंग शेड्यूल ऑफ लिंटेल एंड बीम आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो उन सब वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बारबेंडिंग शेड्यूल ऑफ 2A स्लैब, तो पहले ड्राइंग देख लीजिए। ये एक 2A स्लैब है जिसका लेंथ है 6 मीटर और जिसका इस तरफ से जो लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक है? सेक्शन देखिए, सेक्शन यहाँ पे बीबी डैश में, अगर हम बीबी डैश में सेक्शन करेंगे तो हम इस सेक्शन को देखेंगे, अगर हम ए डैश में सेक्शन करेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ एजम्पशन, यानी कि ड्राइंग का जो एजम्पशन है, मैं ड्राइंग का जो डाटा है वो देख लेते हैं। इसमें डाटा में क्या है, देखिए, वॉल बार्स आर 12 mm, 100 सेंटर टू सेंटर, ऑल्टरनेट बेंट अप। मतलब टोटल जो हमने जो बार यूज़ किया स्लैब में उसका डायमेंशन है 12 mm और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 100 mm, ठीक है? और एक बात यहाँ पे ऐड किया हुआ है, देखिए, ऑल्टरनेट बेंट अप बार, मतलब एक है स्ट्रेट बार और एक है क्रैंक बार, ठीक है? तो टोटल जो बार है ऑल्टरनेट करके दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट लेंथ जिसको हमने 50D कंसीडर किया है, तो हालांकि ये अलग हो सकता है कि 40D भी हो सकता है, 45D भी हो सकता है, 55D भी हो सकता है। तो इसमें ड्राइंग का जो आपका डाटा है, डाटा में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 50D कंसीडर उसको कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि थिकनेस ऑफ स्लैब जो है वो कितना है, 200 mm, और एक दिया है यहाँ पे टॉप एंड बॉटम क्लियर कवर, क्लियर कवर जो है 25 mm है। तो उसको, ये तो डाटा हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब हम कैपिटल डी पहले निकालेंगे, ठीक है? तो कैपिटल डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए, ये टोटल स्लैब है, तो स्लैब का जो सेंटर टू सेंटर अपर जो क्लियर कवर छोड़ के जो अपर बार जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और टॉप पोर्शन पे और बॉटम पोर्शन में, इनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसी को हम कैपिटल डी कहते हैं, ठीक है? तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए, उसका फॉर्मूला है डी इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे आप थिकनेस ऑफ स्लैब, टी एस मैंने लिखा, थिकनेस ऑफ स्लैब माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर माइनस क्या है, 2 इंटू हाफ ऑफ बार, मतलब बार का डाया। तो उसी को हम टोटल यहाँ पे पुट कर देते हैं, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नोट पे लिखा है तो उसको आप इग्नोर कीजिए, पहले आप नोट को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है? तो कैपिटल डी इक्वल क्या है, टोटल जो स्लैब का थिकनेस है उसको मैंने टी एस यहाँ पे लिखा, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है 200 mm, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर मैंने कितने बताया था 25 mm, यहाँ पे आपका 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, तो उसके ड्राइंग के हिसाब से आपका यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे 25 क्लियर कवर है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू क्लियर कवर, मतलब 2 इंटू 25, यानी कि टोटल निकला 50, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार, 2 इंटू हाफ ऑफ बार, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 12 mm, तो 2 2 तो निकल जाएगा, तो निकला क्या 12, तो टोटल 200 माइनस 50 माइनस 12, तो क्या निकला 138 mm, ठीक है? तो चलिए इसको आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, अब हमें पहले निकालना होगा नंबर ऑफ बार्स सेक्शन ए ए डैश में, यहाँ पे जो सेक्शन हमने किया है तो उसमें नंबर ऑफ टोटल बार हम कितने यूज़ करेंगे, ठीक है? इस तरफ से देख लीजिए, टोटल इस लेंथ में
बहुत से बार है यहाँ पे है क्रैंक बार है, ठीक है, और एक बार है यहाँ पे क्रैंक बार है, तो इसमें टोटल जो बार है कितना है उसी को हमने पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए लेंथ, जो भी बार हमने यूज़ किया इसी लेंथ की बजट से, मतलब ये जो लेंथ है ना उसकी बराबर से हमने यूज़ किया है, तो उस लेंथ को हमें पकड़ना है। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्ट्स फॉर्मूला क्या है, टोटल जो लेंथ डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ ए बार प्लस वन। तो इसमें लेंथ कितना है, 6 मीटर यानी कि 6000 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 100 mm है प्लस वन, तो इसमें कितना निकलेगा, 61 नंबर। तो 61 हमारा टोटल बार है हमने यूज़ किया है टोटल ए ए डैश सेक्शन पे, ठीक है। तो उसमें टोटल अल्टरनेट बेंटअप बार मैंने पहले ही बोला था, तो टोटल बार है हमारा 61। तो कितना क्रैंक बार होगा और कितना स्टेट बार होगा, ऑब्वियसली हाफ हाफ होगा। तो हाफ हाफ हमने क्रैंक को एक एक्स्ट्रा ऐड किया और स्टेट को एक कम किया, तो टोटल देखिए 61 हुआ, मगर क्रैंक बार जो है 31 नंबर और स्ट्रेट बार जो है वो 30 नंबर मिला, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक क्रैंक बार का डेवलपमेंट टोटल लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए कटिंग लेंथ जो फॉर्मूला है, देखिए कटिंग लेंथ का फॉर्मूला है एल प्लस क्रैंक प्लस एल डी मतलब डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड। तो लेंथ कितना है, टोटल लेंथ देखिए यहाँ पे 5000 मिलीमीटर है, तो उसी को हमने पुट कर दिया 5000 मिलीमीटर प्लस क्रैंक, क्रैंक का एक्चुअली क्रैंक का फॉर्मूला देखिए 0.42 कैपिटल डी इंटू टू, ठीक है। कैपिटल डी हमने निकाला, कितना निकाला था, 138 मिलीमीटर। तो देखते हैं उसके बाद देखिए डेवलपमेंट लेंथ मैंने बताया 50D दोनों साइड में है, इसीलिए टू उसमें मल्टीप्ल किया हमने माइनस बेंड। तो यहाँ पे देखिए बेंड टोटल कितना है, एक क्रैंक बार में टोटल बेंड कितना है, देखिए टोटल देखिए यहाँ पे, ये हमारा हुआ एक क्रैंक बार, ठीक है। तो इसमें टोटल देखिए, टोटल यहाँ पे एक 45 डिग्री क्रैंक है, यहाँ पे एक 45 डिग्री, यहाँ पे एक 45 डिग्री और यहाँ पे एक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बेंड कितना हुआ, नंबर 4 हुआ, ठीक है। और 90 डिग्री बेंड यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो 90 डिग्री बेंड कितना हुआ, 2 हुआ। तो अब सीधी सीधी बात लिखा है, देखिए 45 डिग्री 4 है, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए बेंड हम कितना कैलकुलेशन करते हैं, 1D, तो वहाँ पे देखिए 4 × 1 × D लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 4 × 1 × D। 4 क्यों लिए, 4 किस लिए, 4 क्योंकि हमारा जो टोटल 45 डिग्री बेंड है वो देखिए 4 है, ठीक है। पहला वाला एक, ये 2, 3 और 4, तो ये 4 45 डिग्री बेंड के लिए हमने 4 लिखा, इंटू 45 डिग्री बेंड के लिए कितना वैल्यू है, 1D, तो वहाँ पे 1 लिखा और D की जगह 12 लिखा, क्योंकि हमारा टोटल जो बार है उसका डाई कितना है, 12 mm। और एक बेंड है जो कि है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो बेंड जो है 90 डिग्री पे है, तो 2 × 90 डिग्री के लिए हम कंसिडर करते हैं कितना वैल्यू को, 2D, तो 2 × 2 × D क्या वैल्यू, 12। तो देखिए टोटल कैलकुलेशन करके निकला कितना, 6.22 मीटर, ठीक है। आप खुद से कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेशन कीजिए और निकालिए और मैच कीजिए, ठीक है। अगर आपका अलग होता है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो टोटल हमारा 6.22 मीटर जो है एक
बार के लिए निकला, एक बार का जो कटिंग लेंथ है। तो टोटल क्रैंक बार कितना है, 31। तो 31 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, तो कितना निकल का था है, 192.82 मीटर। तो चलिए इसको हम, हमारा तो जो सेक्शन ए डैश में टोटल जो क्रैंक बार है वो निकल के आया गया, क्रैंक बार को छोड़ के देखिए, और एक ऑल्टरनेट स्ट्रेट बार है, तो अभी निकालेंगे हम स्ट्रेट बार को। तो स्ट्रेट बार का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ एल प्लस एल डी। तो लेंथ कितना है हमारा, 5000 प्लस एल डी मतलब डेवलपमेंट लेंथ कितना है, 50 डी, दोनों साइड में है, उसी वजह से हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 गुना करेंगे, तो निकल कर क्या आएगा, 6.2 मीटर। ठीक है, तो 6.2 मीटर एक के लिए, ठीक है, एक स्ट्रेट बार के लिए कटिंग लेंथ है 6.2 मीटर। हमारा स्ट्रेट बार कितना था टोटल, 30 नंबर मतलब 30, तो उसको हम 30 गुना करेंगे, तो कितना निकल कर आएगा, 186 मीटर। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे देखिए, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार किस लिए, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टोटल हमने जो बार यूज़ किया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 4 यहाँ पे मेज बन रहा है, मतलब ओवर एक बॉक्स की तरह बन रहा है, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे भी ठीक, यहाँ पे भी, ऐसे क्यों बन रहा है, देखिए हम जो बार यूज़ कर रहे हैं ना, टोटल ऐसा करके है, ठीक यहाँ पे भी ऐसा करके बनना स्लैब में, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, अल्टरनेट स्ट्रेट बार होगा, यहाँ पे भी अल्टरनेट स्ट्रेट बार होगा, और इस साइड में भी एक अल्टरनेट बार होगा और एक स्ट्रेट बार होगा। तो यहाँ पे देखिए गौर से, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पर, कॉर्नर पे भी एक मेज़ बन रहा है, कि एक बॉक्स की तरह ओवरलैप हो रहा है, एक ऊपर भी बार है, एक नीचे भी बार है, मगर यहाँ पे ब्लैंक जा रहा है। इस जोन पे देखिए कोई भी बार मेज नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ दोनों बार जो है नीचे पे है, बॉटम पोर्शन स्लैब का बॉटम पोर्शन पे है, टॉप पोर्शन में कोई भी बार यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चारों साइड में एक स्ट्रेट बार एक एक करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि टोटल जो स्लैब का जो लोड है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हमारा जो स्लैब है वो टोटल जो ऑल ओवर लोड है वो उसको फाउंडेशन को दे सकता है और आराम से उसको लोड ले सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए हमें इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, चार साइड में हमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना पड़ेगा, टॉप में, ठीक है, बॉटम पे नहीं, टॉप में। तो अगर आपने इसको नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक में जाइए और इसको अच्छी तरीके से देखिए दोबारा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो टॉप बार इसको हम निकालेंगे अभी, तो टॉप बार के लिए जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं हम टॉप बार को, तो उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसका कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, देखिए एल माइनस 2 × L/5 प्लस 2 × 100। तो अब L/5 क्या है, देखिए ड्राइंग पे चले जाइए, ड्राइंग पे जाके देखिए, यहाँ पे जो जहाँ पे भी देखिए आप ड्रा जहाँ पे भी देखेंगे क्रैंक बार जहाँ पे है, तो क्रैंक बार से आउटर पोर्शन यानी कि इस
पोर्शन जो आउटर स्लैब का जो आउटर पोर्शन है वहाँ से जहाँ से क्रैंक शुरू हो रहा है, ठीक है, इसी का डिस्टेंस L/5 है। चारों साइड में देखिए जहाँ से क्रैंक हो रहा है 45 डिग्री पे, जो बार जो क्रैंक हो रहा है उससे लेके बाहर तक, इसका डिस्टेंस कितना है L/5 है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला पे जाते हैं। अभी फॉर्मूला में देखिए L-2 × L/5 +2 × 100। अब ये 100 किस लिए, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100 किस लिए है, ठीक है, L/5 तो ठीक है। तो देखिए 100 किस लिए है, जब हम ड्राइंग पे देख लेते हैं कि जब हम इसमें यहाँ पे एक क्रैंक बार है, ठीक है, तो इसका लेंथ हम निकालेंगे, किसका लेंथ टोटल, इसका लेंथ निकालेंगे, तो इसको इससे जोड़ना है ना, रेड कलर का जो क्रैंक मैंने बार यूज़ किया है देखिए ड्राइंग पे, उसको इसके साथ तो जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए तो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इस साइड में भी, इस साइड में भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना। तो इस बड़ा करने के लिए कि इसको हम लैपिंग कर सकें यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लैपिंग कर सकते, इसको बांध सकते हैं यानी कि उसको जोड़ सकते हैं, तो उसी के लिए हम दोनों साइड में 100 ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला में डाटा जो है पुट कर देते हैं। तो L का वैल्यू कितना है, 5000 -2 × L/5। L का वैल्यू 5000 +2 × 100, तो टोटल कितना हुआ, 3.2 मीटर, 3.2 मीटर एक के लिए। अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बार, तो नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला, जब हम सिंपल सा फंडा देखिए, जब नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो अगर हम इस साइड का निकाल रहे हैं, जिस भी साइड का हम निकालेंगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लेंथ है ना उसका हम लेंथ लेंगे, यानी कि देखिए जब हम इस साइड का जब लेंथ, इसमें 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 कहाँ टोटल बार हम कितना देंगे, तो उसका लेंथ निकालने के लिए हमें इसका L-5 मतलब इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड का जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लेंथ निकालेंगे, नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमें इस साइड का कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसी का हम पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ बार कितना है, L-5 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 100 +1, और उसको 2 गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि इस ड्राइंग में देखिए हम इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो ए भी निकल के आएगा, क्योंकि इसका और इसका जो लेंथ होगा ना इक्वल होगा। और दूसरी तरफ हम जब इसका निकालेंगे तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें डबल करके कोई ज़रूरत नहीं, डबल कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो एक टाइम निकालेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपोजिट साइड का भी, टोटल नंबर ऑफ बार एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम तो उसका भी निकल के आएगा। तो नंबर ऑफ बार कितना निकला, 26 नंबर, ठीक है, 26 पीस। तो एक मतलब टॉप जो एक्स्ट्रा बार हमने प्रोवाइड किया तो उसका एक का लेंथ कितना हो, कटिंग लेंथ एक पीस का 3.2 मीटर, तो टोटल 26 नंबर के लिए कितना होगा, 83.2 मीटर। तो ए हो गया सेक्शन AA' में, ऑल ओवर कैलकुलेशन। तो अब खुद से सेक्शन BB' के लिए मतलब इस तरफ का लिए, ठीक है, सेक्शन BB' के लिए आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, और आप वीडियो को पॉज करके टोटल जो डाटा है आप खुद से इसको कैलकुलेशन करके इससे आप मैच कर लीजिए। अगर नहीं मैच करता है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का नोट आपको चाहिए तो आप खुद का अपना Gmail ID नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, ठीक है, मैं आपको खुद से मेल कर दूंगा टोटल PDF, ठीक है।
तो देखिए सेक्शन बी बी डैश में क्रैंक बार फार्मूला के हिसाब से सेम फार्मूला, ऊपर जो फार्मूला हमने यूज़ किया उसी फार्मूला से निकला 7.22 मीटर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिरअप नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ बार कितना निकला, 51 नंबर, इसमें से 26 क्रैंक और 25 स्ट्रेट। तो 26 के लिए 187.72 मीटर, और स्ट्रेट बार के लिए टोटल 25 के लिए 180 मीटर निकल गया। ठीक है, और टॉप बार के लिए टॉप बार कितना हुआ, नंबर 22 नंबर, तो एक के लिए 3.8 मीटर, और टोटल 22 नंबर के लिए 83.6 मीटर। तो आप टोटल से कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर किसी भी पोर्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मदद करने के लिए। ठीक है, आपका जो मदद हो सके, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और